कांकेर जिले के पखांजुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर्चिंग में निकले सुरक्षा बलों ने कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के किसे कोड़ी जंगल से तीन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पकड़े गए नक्सलियों में दो हार्डकोर इनामी नक्सली और एक नक्सली सहयोगी शामिल है। नक्सली सालिक आंचला और रमेश पुनेम पर 8-8 लाख के इनाम घोषित भी है। पुलिस ने पकड़े गए नक्सलियों से कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई है। बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त टीमें कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो केसोकुड़ी गोमे गांव पड़ता है, गट्टागाल गोमे केसोकुड़ी, उस एरिया में, जनरल एरिया में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी हमको, और इसी सूचना पर संयुक्त टीमें जो हैं वो ऑपरेशन के लिए निकली हुई थी। जब जंगल पे टीमें सर्च कर रही थी तो केसोकुड़ी गोमे के बीच के जो जंगल पहाड़ एरिया है वहाँ पे कुछ संदिग्ध व्यक्ति हमको दिखे, तीन व्यक्ति दिखे। तत्काल बीएसएफ की टीम के द्वारा घेराबंदी करके, एक तरफ से घेराबंदी करके उनको पकड़ने का प्रयास किया। तीनों को पकड़ने के उपरांत जंगल में जब पूछताछ की गई, इनसे संदिग्ध थे तो इनसे पूछताछ की गई, पूछताछ में इन लोगों ने ये स्वीकार किया कि ये लोग नक्सल संगठन के सदस्य हैं और फोर्स क्योंकि निकली हुई थी तो उनकी रेकी करते हुए फोर्स को नुकसान पहुंचाने का प्रयास